सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की इस श्रृंखला में आज बात करते हैं योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। भक्तों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे केशव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की क्या महिमा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसका व्रत करने से व्रतकर्ता के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पृथ्वी लोक में वह ऐश्वर्य पाता और परलोक में भी मोक्ष पाता। पुराणों में इस एकादशी के महात्म्य महिमा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इसके महात्म्य को प्रकट करने वाली एक कथा सुनाता हूं। अलकापुरी में शिव भक्त कुबेर का शासन था। वह नित्य शिव पूजन किया करता था। उसका हेम नामक माली पूजन के लिए मानसरोवर से पुष्प लाया करता था। उसकी पत्नी विशालाक्षी बहुत सुंदर स्त्री थी। एक दिन हेम पुष्प तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी के सौंदर्य से मोहित होकर वह उसके साथ रमण करने लगा। फलस्वरूप दोपहर तक भी पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। अंत में राजा ने सेवकों को उसका पता लगाने के लिए भेजा। सेवकों ने जो देखा वह राजा को आके बता दिया। यह सुनकर यक्षपति कुबेर ने हेम को अपने पास लाने का सेवकों को आदेश दिया। सेवक उसे पकड़ कर ले आए। कुबेर ने उसे क्रोधावश में शाप देते हुए कहा कि हे हेम, तूने मेरे पूजन कार्य में बाधा डाली है, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम स्त्री के वियोग को सहन करते हुए मृत्यु लोक में कोड़ी हो जाओ। कुबेर के शापवश वह माली मृत्यु लोक में आकर श्वेत कोड़ी का रोगी हो गया। भूखा प्यासा जंगलों में भटकने लगा। उसका शरीर दुर्गंधित हो गया, लेकिन शिव भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। जंगलों में भटकते हुए एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा, जो हिमालय पर्वत पर था। वहां जाकर ऋषि के चरणों में गिरकर नमन करते हुए उसने ऋषि को अपनी व्यथा बताई और मुक्ति का उपाय पूछने लगा। ऋषि बोले कि हे वत्स, तूने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके कारण तू कोड़ी होकर कष्ट पा रहा है। हेम बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हेम हूं और उनके पूजन कार्य हेतु नित्य मानसरोवर से पुष्प लाया करता था। एक दिन मैं अपनी स्त्री के सौंदर्य पर मोहित होकर उसके साथ रमण करने लगा, अतः समय पर पुष्प लेकर नहीं जा सका। फलस्वरूप यक्षराज ने मुझे शाप दिया, वही भोग रहा हूं। अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। तब मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे वत्स, तूने मुझे सब कुछ सत्य बताया है, अब तेरे कल्याण का एक उपाय बताता हूं। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करेगा तो तेरा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा। ऋषि के बताए हुए उपाय से हेम अति प्रसन्न हुआ। फिर उसने व्रत की विधि जानकर यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह अपने वास्तविक रूप में आ गया और स्त्री के साथ विहार करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, योगिनी एकादशी के व्रत का फल अनेक यज्ञ करने के बराबर है। इसके व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता और व्रतकर्ता के सभी पापों का निवारण होके अंत में स्वर्ग में वास करता। इस दिन व्रतकर्ता मिश्री का आहार लें तथा भगवान नारायण श्री विष्णु का पुष्प, धूप, दीप, फल, फूल आदि से पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।